हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैंने मेरा पर्पल हॉल में आपके साथ शेयर करी, जो कि है मेरा सेकंड पर्पल हॉल। सो ये टोनर, तो ये बहुत अच्छा टोनर है एक्चुअली। ये जो एक्ने पोर स्किन है उसके लिए ये बहुत अच्छा वर्क करता है। इंस्टेंटली ये फ्रेशनेस देगा। देन कुछ भी आप अप्लाई करते हो तो आपको टोनर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फेस वॉश के बाद अपने जो पोर्स है वो पूरी ओपन हो जाते हैं। तो ये डायरेक्टली इंस्टेंट हाइड्रेशन देता है, उसकी वजह से अपने जो कहीं मैं लूँगी एक्टिवेटेड चारकोल मास्क। एक्चुअली चारकोल मास्क ये हमेशा यूज़ नहीं करना है, ये वीकली में एक बार आप यूज़ करते हो स्किन केयर रूटीन में तो बहुत अच्छा है। जो पोर्स वगैरह है पूरा क्लीन, पूरा नीट एंड क्लीन हो जाता है। जो भी डस्ट वगैरह अपने पोर में या फेस में लगी है, डलनेस लगी है, तो ये पूरा क्लीन कर देता है। जस्ट स्मेल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छी बात है ये। नहीं तो जो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें स्मेल वगैरह बहुत ज़्यादा आती है। ये मलबेरी का स्लीपिंग मास्क है। ये रात को जब हम लगाते हैं और सो जाते हैं, ओवरनाइट के लिए इसको छोड़ देना है, ये सुबह इतना अच्छा मतलब रिजल्ट देता है ना। जो भी मतलब डल स्किन रहेगी या फिर एक्ने पोर रहेगी, एक लाइट वेट अपने चेहरे पर ग्लो आ जाता है। तो ये मेरा एक्चुअली थर्ड बाय है, बहुत बहुत अच्छा है। और मैं ड्राई स्किन से हूँ तो मुझे हाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो जो भी ड्राई स्किन फैमिली है प्लीज़ गो फॉर इट। तो ये है पॉन्ड्स का जेल मॉइस्चराइज़र। ओ माय गॉड, मैं इसके बारे में जितना बोलूँ उतना कम है। मतलब एक 240 तक ये मेरे को आ गया था, मतलब 299 इसकी प्राइस है, फ्लैट 20% इस पर ऑफ चल रहा था, तो 249 तक मुझे आई थिंक आ गया था। और ये इतना अच्छा है गाइस रेगुलर यूज़ के लिए। मतलब ये रात को आप लगा के सो जाओ और सुबह इंस्टेंटली स्किन इज प्लम्प हाइड्रेट, बहुत अच्छा है बहुत। ये ऑल स्किन टाइप के लिए और ये बहुत अच्छा, आप प्लीज़ इसको ट्राई करो। जिसने भी नहीं, मैंने एक 40 rupees वाला लिया था जस्ट रात के लिए, देन मैंने ये मंगाया, इतना अच्छा है ये, प्लीज़ आप ये ट्राई करो। इसका जो फॉर्मुलेशन है वो जेल फॉर्मुलेशन है, जस्ट आप देख सकते हो। लेवेंडर फेस मिस्ट है जो मतलब एज अ प्राइमर आप यूज़ करते हो, एज अ फिक्सर आप यूज़ कर सकते हो। तो है ये NYB का प्राइमर जो ब्लर प्राइमर है। एक्चुअली मेरे फेस पे ना ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं ब्लर प्राइमर ज़्यादा प्रिफेयर करती हूँ। लेकिन मेरी ड्राई स्किन है तो ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, तो उसकी वजह से मैं इसमें क्या करती हूँ कि जब प्राइमर लेती हूँ तो उसमें मॉइस्चराइज ऐड करके फिर अप्लाई कर देती हूँ। मतलब हाइड्रेट भी रहेगा और मेरे पोर्स है वो ब्लर भी हो जाएंगे। तो ये ब्लर, तो ये NYB का मैंने काजल मंगाया था जो कि मुझे 65 rupees में पड़ा था। और ये रेगुलर यूज़ के लिए इतना अच्छा है ना, मतलब मेरे पास कलर बार का काजल है वो बहुत अच्छा है, वो 133 में मुझे मिला था लास्ट टाइम और ये मुझे 67 rupees में मिला था। तो इसका मैं आपको फॉर्मूला दिखा देती हूँ। इतना ब्लैक, इतना बहुत अच्छा है, अभी मैंने अप्लाई भी किया है। तो ये बहुत अच्छा का आईलाइनर जो कि 45 rupees में मुझे मिला था। और माय गॉड, सी द पिगमेंटेशंस गाइस, बहुत अच्छा है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगी, ये वाटरप्रूफ नहीं है। और कॉन्टोर NYB का ही कॉन्टोर जो कि है, इसका आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। इतना अच्छा है ना, इतने अच्छे से ब्लेंड वगैरह हो जाता है। मैंने अभी जस्ट ट्राई किया है, बहुत अच्छा है। और ये भी मुझे कुछ 87 rupees में मिला था। NYB का ये लिप बाम मंगाया था, मैं आपको दिखा देती हूँ इसका। मेरे पास ब्लू हेवन का ही लिप बाम था, तो आई गेस कि एक और लिप बाम होना चाहिए। वैसे मैंने लैक्मे का जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिप बाम है वो भी ट्राई किया है, वो भी बहुत अच्छा है। तो लैक्मे का ये मंगाता, ये मुझे कुछ 252 rupees। तो ये है NYB की बुलेट लिपस्टिक जो कि मैंने अभी वेयर किया हुआ है। और क्या बताओ गाइस, बहुत अच्छा है। मतलब ये मैंने दो लिया था, एक मेरे फ्रेंड के लिए जिसका बर्थडे है अभी, तो उसको मैं गिफ्ट करने वाली हूँ। देन ये मैंने मतलब 4 number का इसका शेड नंबर है। और इसकी पैकेजिंग, ओह माय गॉड, लुक एट द पैकेजिंग। ये मेरी पर्पल हॉल थी सेकेंड। आपको कुछ भी प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो, या फिर मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे आप DM कर सकते हो, तो वहाँ पे मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगी। देन मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि हॉनेस्ट रिव्यू रहेगा मेरा जो भी रहेगा। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।